Very good morning, dear students. Now the last topic of this lesson, the sense of collective belonging. Till now you have learned about the nationalism in India, rise of nationalism in India, then non-cooperation, civil disobedience movement. Now we will see the sense of collective belonging. Nationalism spread when people begin to believe that they are all part of the same nation. It is the first condition of nationalism. I think all of you are accepting it. History and fiction. जब लोग को लगता है उनका अपना खुद का देश है, अपनी खुद की एक कहानी, अपना खुद का इतिहास है, अपनी खुद की भाषा है, फोक है, अपना खुद का एक गाना होगा, अपने खुद के राष्ट्रगीत होंगे, अपने खुद का झंडा होगा, तो लोगों को जब ऐसी कंडीशन होती है तब उनमें राष्ट्रीयता की भावना आती है. फोकलोर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म. फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा ही था राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में, ये सब चीज़ें थी. फाइनली इन द 20th सेंचुरी द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिया केम टू विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेजेस ऑफ भारत माता. बंकिम चंद चट्टोपाध्याय क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता एंड इन द 1870s ही रोड वंदे मातरम एस अ हाइम टू द मदरलैंड. एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि वंदे मातरम किसने लिखा है, अब जान जाइए बंकिम चंद चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है. रविन्द्रनाथ टैगोर प्रिंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता पोर्ट्रेड एस एन एस्थेटिक फिगर. शी इज काम कंपोज डिवाइन एंड स्पिरिचुअल. इन द लेट 19th सेंचुरी इंडिया नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाय द बार्ड्स एंड दे टूर्ड विलेजेस टू गैदर फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स. रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी भारत माता का एक बड़ा सा पोर्ट्रेट बनाया जिसमें वो बहुत ही शांत स्वभाव की दिखी. ढेर सारे उन्होंने कहानियाँ और कविताएँ लिखी जिससे कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो सके. उन गानों को गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे में गाया जाने लगा. धीरे धीरे लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी. ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल ट्राइकलर फ्लैग रेड ग्रीन येलो वॉज डिजाइन विच हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड अ क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग द हिंदू एंड मुस्लिम्स. बाई 1921 द गांधी जी डिजाइन द स्वराज फ्लैग अ ट्राइकलर रेड ग्रीन एंड वाइट एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधीन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प. 1921 तक गांधी जी ने अपना खुद का स्वराज वाला झंडा बना दिया जो कि तिरंगा झंडा था एंड बीच में बस उसमें एक व्हील था जिस पे गांधी जी अपना सूत काटते थे. वो गांधी जी की फिलॉसफी को दर्शाता था. कंक्लूजन. इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी वेरियस ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ इंडियन केम टुगेदर फॉर द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम इंडिपेंडेंस. हमने देख लिया काफ़ी हद तक लोग आगे आए और देश में वो आज़ादी के लिए लड़ाई की है. द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेस एंड इंश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलिनेट अनदर. महात्मा गांधी जी के अंदर जब तक कांग्रेस में चला उन्होंने यही कोशिश की कभी भी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर हावी ना होने पाए और सारे ग्रुप्स मिल करके रहें. इन अदर वर्ड्स व्हाट वाज इमर्जिंग वाज अ नेशन विद मैनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल. सो अल्टीमेटली वी कैन से द इंडियंस इरेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स कास्ट क्रीड रिलीजन बिलीव्स ऑल वेयर बिकमिंग वन. दैट वॉज द अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी अंडर वन अम्ब्रेला ऑफ द Indian hood, they were raising their voice, wanted to get their motherland free from the British colonial rule. That's all for this chapter. Thank you for the moment and watching. Thank you very much.